भगवान की पांच तरह की मुक्ति है। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। पहली है सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये पांच तरह की मुक्ति है। सालोक्य क्या है? भगवान के लोक में उनके साथ रहना। साष्टी का अर्थ है कि भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। सामीप का अर्थ है कि निरंतर भगवान के समीप बने रहना। सारूप मतलब भगवान जैसा रूप मिल जाना, और सायुज्य का मतलब है भगवान में समा जाना। ये पांच प्रकार की मुक्ति है। लेकिन दीयमानम न गृहणंती, जो प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त हैं, वो भगवान से पांचों तरह की मुक्ति भी नहीं चाहते, वो केवल और केवल भगवान की सेवा चाहते हैं। बिना मत सेवनम जना, भगवान के भक्त भगवान से और कुछ नहीं मांगते। आगे जो है बहुत सुंदर वृत्तासुर का वृतांत है। वृत्तासुर ने भगवान से क्या मांगा है? अहम हरे तव पादैक मूल। आचार्य जी, हमारा प्रयास रहता है कि भागवत के श्लोकों को ज्यादा से ज्यादा गाएं, क्योंकि भले ही समझ में ना आए लेकिन भागवत के श्लोक जब कानों से हृदय में जाते हैं तो हृदय के कलमस को धो डालेंगे। भैया ये भागवत के श्लोक बहुत चमत्कारी है। वृत्तासुर भगवान से क्या मांग रहा है? अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणी तबाक कर्म करो तुकाया। हे प्रभु, मुझे निरंतर आपके प्रेमी अनुरागी भक्तों का संग मिलता रहे और आपके चरणों में मेरी प्रीति निरंतर बनी रहे। भगवान से भगवान के अतिरिक्त जो कुछ और मांगता है वो भक्त कैसे हो सकता है?